एमफिल स्कॉलर्स के लिए जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में उनका असाइनमेंट, एक असाइनमेंट जो कंप्रेहेंसिव वाइवा के नाम से है, 4A में, जो कि 1 अगस्त को ड्यू था। 1 अगस्त को चूंकि छुट्टियां हैं ईद की, 31 से लेके 10 तारीख तक यूनिवर्सिटी बंद रहेगी, जिसकी वजह से आपका ये असाइनमेंट जो कि आपको 7th वीक कंप्लीट होने के बाद आपसे लेना था, वो यूनिवर्सिटी खुलने के बाद आपकी जो टाइम टेबल के मुताबिक अकॉर्डिंगली जिस दिन आपका क्लास होगा उसी दिन उसी क्लास में ये कंप्रेहेंसिव वाइवा होगा। इसके लिए आपको तमाम जो लेक्चर्स, जो ऑडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो चैनल पर मौजूद हैं, जो आपने सब्सक्राइब किया है वहाँ से आपके ईमेल बॉक्स में आ रहे हैं, उनको आप देखें। उसके साथ साथ डिस्कशंस एंड डिस्कोर्सेस फोरम के अंदर जो डिटेल से जो डिस्कशन हुई है तमाम लेक्चर्स के ऊपर, वो मौजूद है, उनको आप गो थ्रू कर लीजिएगा। उसके नतीजे में आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी और फिर आप जिस दिन आएंगे वापस 10 तारीख के बाद, उस वक्त आपका ये कंप्रिहेंसिव वाइवा होगा, उसकी मुकम्मल तैयारी करें। बिल्कुल इसी तरह स्कूल इम्प्रूवमेंट में जो मास्टर्स और ADE लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, उनका 5 अगस्त को ये असाइनमेंट ड्यू था, 5 अगस्त को नहीं होगा बल्कि 10 अगस्त के बाद आप जब वापस आएंगे, उस वक्त जब आपके थर्सडे फ्राइडे को जो आपकी 9:30 से 9 से 10, 10:30 की जो क्लास होती है उसमें आपका ये वाइवा होगा। लिहाजा आपको भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने तमाम जो लेक्चर्स, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जो यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, उनको आपने सुनना है, और डिस्कशंस एंड डिस्कोर्सेस फोरम के अंदर जो हमने तफसीलन जो इसके ऊपर बातें की है, तमाम लेक्चर्स के ऊपर डिस्कशंस हुई है, रिफ्लेक्शंस हुई है, आप लोगों के अपने कमेंट्स हैं, उन तमाम को सुनना है ताकि आपकी एक अच्छी सी तैयारी हो जाए इस असाइनमेंट के लिए, और आप जब आएंगे क्लास में तो उस वक्त आपसे ये लिया जाएगा। चूंकि 50% कोर्स कंप्लीट हो चुका है, 7th वीक दोनों सब्जेक्ट्स में, दोनों लेवल्स पे कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 50% आपका कोर्स मुकम्मल हुआ है। 50% जब ये कंप्रिहेंसिव वाइवा होगा उसके बाद आगे आपकी क्लासेस जारी होंगे, और उस वक्त आपका ये असाइनमेंट कंप्लीट होने के बाद फिर आगे स्टडी जारी रहेगा। थैंक यू।